आज मैं आपको सुनाऊंगा हजरत यूनुस की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत समय पहले की बात है, कुछ लोग बस्ती में रहते थे। वो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, बल्कि मूर्तियां बना के उनकी पूजा करते थे। अल्लाह ने एक दिन जनाबे यूनुस से कहा कि वो जाके उनको समझाएं कि वो लोग मूर्तियां बना के और उनकी पूजा करना बंद करें और अल्लाह की नमाज पढ़े, इनसे उनको सवाब मिलेगा। फिर जब जनाबे यूनुस उनको समझाने गए तो उन बस्ती वालों में से बहुत कम लोगों ने ही उनकी बात मानी। फिर जनाबे यूनुस ने खुद से कहा कि इन पे आजाब आना तो तय है। जब वो लोग एक शिप पे गए थे, फिर जब वो लोग शिप पे चले गए तो फिर शिप बहुत दूर ले जा रहे थे। बीच में बिजलियां कड़कने लगी, लहरें आने लगी और फिर जहाज का बैलेंस टूटने लगा। फिर उन सब में से एक ने बोला कि हम एक खेल खेलेंगे, हर पर्ची पे आदमी का नाम लिखा होगा, हम उसको टोकरी में डालेंगे और फिर जिसका नाम बाहर आएगा चिट्ठी में से, वो कूद जाएगा पानी में और उसका 100% मरना तो पक्का था। इसलिए बिल्कुल ऐसा किया गया और नाम निकला जनाबे यूनुस का। जब जनाबे यूनुस का नाम आया तो सब जहाज वाले उनको घूरने लगे। फिर एक आदमी ने कहा कि नहीं, हम जनाबे यूनुस को नहीं फेंक सकते, वो हमारे मेहमान भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं। फिर सबने फिर से किया, लेकिन फिर से जनाबे यूनुस का नाम आया। फिर किया, फिर जनाबे यूनुस का नाम आया। फिर जनाबे यूनुस को कूदना पड़ा। जब वो कूद गए तो फिर जब वो डूबने वाले थे, एक बड़ी सी मछली आई, अजीब मछली, और फिर जनाबे यूनुस को वो खा गई। फिर अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो जाके जनाबे यूनुस को किनारे पे छोड़ दे, उगल दे। फिर जब मछली ने जनाबे यूनुस को उगल दिया तो वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनकी खाल बहुत नाजुक हो गई थी। फिर अल्लाह ने उनके पास कद्दू का पेड़ उगा दिया, वो उसके पत्ते अपने खाल पे लगाते थे ताकि उनकी खाल पहली जैसे हो जाए और वो पंकित खाते थे ताकि वो हेल्दी हो जाए पहले जैसे। वहाँ बस्ती वालों का बुरा हाल था, ऊपर काले काले बादल, नीचे साइक्लोन, आंधी चल रही थी तेज तेज। वो समझ गए थे कि अल्लाह का आजाब आने वाला है। फिर उन्होंने घुटने टेक टेक कर अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ने उनकी ये हालत देखकर उन्हें माफ कर दिया। और फिर जब जनाबे यूनुस वापस आए तो वो हैरान रह गए ये देखकर कि आजाब के बाद भी सब कुछ ठीक है। जब वो नीचे गए और बस्ती वालों से पूछा कि यहाँ आजाब आया था लेकिन सब ठीक है, ये क्या माजरा चल रहा है, जब उन्होंने बस्ती वालों से पूछा तो बस्ती वालों ने कहा हमने तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांग ली। तो जनाबे यूनुस को अपनी गलती का एहसास हुआ और बस्ती वालों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, दोनों लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अल्लाह के ऑर्डर मानने चाहिए। और एक और बात, क्योंकि इन्होंने अपने दिल से कहा था अल्लाह से माफ़ी मांगने को, इसलिए ये सारे नबियों में से एक ही फौज थी जिसको माफ़ किया गया था। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अल्लाह के हर रूल्स को मानना चाहिए, अगर उनको तोड़ देंगे तो अल्लाह हमें आज़ाब में भेज देगा, ना कि जन्नत में।
लिए हमें अल्लाह की बात मानती रहनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ठीक है, बाय बाय, और ख्याल रखिएगा, कोरोना में ठीक रहिएगा, बाय।